हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुजर फैमिली व्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और आज व्लॉग के तो नहीं लेके आई हूँ आप सबके लिए, लेकिन आप सबके साथ बहुत टाइम से सोच रही थी कि बात करूँ, लेकिन बात करने का शायद दिमाग ही, कल भी मैंने व्लॉग बनाया नहीं रहा वो बात करने के लिए। एक तो कमेंट की प्रॉब्लम थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा, वीडियो सबके वॉच कर रही थी जितनी भी यूट्यूबर मेरी फ्रेंड है, लेकिन कमेंट नहीं जा रहे थे। अभी भी कुछ में जा रहे हैं, एक आदमी नहीं जा रहे हैं, तो उनका फिर यही है कि आप हमारे चैनल पर नहीं आते हो। ऐसा नहीं है, मैं कई बार सुनती भी नहीं हूँ तो चला कर छोड़ देती हूँ वीडियो, काम करती रहती हूँ और वीडियो चलती रहती है। तो आपके साथ एक कमेंट शेयर करेंगे। पहले कमेंट सभी भाई, मेरे बहन हो या भाई हो, बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, मुझे कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो लेकिन ये मत सोचना कि मेरा कमेंट नहीं पड़ा, मैं भी अच्छे करती हूँ, लेकिन ये कमेंट, इस तरह के कमेंट है ना, ये भाई ने किया, सच में ही दिल छूने वाले वाला था। तो ये था बहुत ही सुंदर वीडियो, अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करने वाला हमेशा अपने कार्य में सफल होता है। अतः शुभकामनाओं सहित आभार प्रकट करता हूँ। आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं आपकी योग्यता की कदर करता हूँ। मेरा कोटि कोटि नमन ऐसे प्रतिभा को। तो भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ आप सबके बगैर, आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हो तब मैं यहाँ तक हूँ। कुछ भी नहीं हूँ ना, मैं ज़्यादा समझदार हूँ ना मैं कि मुझे ज़्यादा कुछ आता है। मैं तो व्लॉग में भी बोल देती हूँ कि मैं ज़्यादा, अगर मेरे अंदर ज़्यादा समझदारी होती या ज़्यादा हुनर होता तो शायद मैं व्लॉग ना बनाती, फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो अपना, जैसे कि बोलते हैं कि कुकिंग का ही दिखाया करो, तो कुकिंग का भी इतना ज़्यादा नहीं आता है, नॉर्मल ही खाना बनाना आता है मुझे, जो ज़्यादातर सभी बंदों को, सबको ही आता है, सभी लेडीज़ को, हाउसवाइफ को, तो उसी तरह का। और आपने इतनी तारीफ़ करी तो मुझे सच में ही, मैं तो इतनी खुश हो गई, जबकि मुझे, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी थैंक यू भैया जी, थैंक यू। मुझे, मैं आपकी आभारी हूँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अपनी बहन को इतना सपोर्ट मिल रहा है मुझे आप सबका, हारना जीतना सबके किस्मत की बात होती है, सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। और अब आएंगे हम अपने यूट्यूबर फ्रेंडों के लिए। तो कमेंट मेरे नहीं जा रहे थे, जिनके पास मैं कमेंट कर भी देती हूँ उनका भी यही होता है कि हमारी वीडियो पर नहीं आते हो, तो मैं क्या करूँ, कैसे बताऊं कि मैं वीडियो पे आती हूँ। मैं सारी वीडियो, जितने भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे साथ के साथ देखती रहूँगी, चला के छोड़ देती हूँ, काम भी कर रही हूँ चलाती रहूँगी चलाती रहूँगी, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं, मैं सबकी ही वीडियो वॉच कर रही हूँ, सभी जितनी भी मेरे पास, चाहे कोई भी, वीडियो चला के छोड़ देती हूँ ऐसा नहीं, सबकी वीडियो मैं देखती हूँ। आप भी समझ सकते हो, काम भी होते हैं घर में, बच्चे भी हैं और भी बहुत भागा भाग होती है, तो वीडियो सुबह के टाइम ही मैं चलाना शुरू कर देती हूँ, और शाम तक जैसे जैसे वीडियो, जैसे मेरे हाथ में फ़ोन आता है ऐसे ही मैं वीडियो चला के चलाती रहती हूँ। तो आप सबके लिए मैं ये वीडियो बहुत टाइम पहले बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं बना पाई किसी वजह से, और कल भी मैंने बनाया और मैं भूल गई क्या बोलूँ क्या ना, मैंने ये कल बोला ही था कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम क्या बोलूँ क्या, इसलिए व्लॉग भी नहीं आ रहा था। अभी भी मैं व्लॉग कोई लेके नहीं आई हूँ, व्लॉग का तो मैंने बता ही दिया है कि व्लॉग तो इसलिए नहीं बन रहा है कि बच्चे जाते हैं, जाने लगे हैं स्कूल, और इसलिए नहीं बन रहा था। और आज भी, कल भी मैं गीत डाल सकती थी, लेकिन आज मेरा थोड़ा मन ठीक ठीक था, तो मैंने कहा आज चलो आज मैं व्लॉग। और आप सब ने पूछा, कई मेरे फ्रेंडों ने पूछा कि मतलब मेरी शक्ल देख के पहचान लिया कि मैं परेशान हूँ, कल भी और पहले भी अंदाज़ा लगा दे लेते हैं बहुत जल्दी मेरे अपने, और हर एक रिश्तेदार का, ऐसा कहीं भी नहीं है कि मेरा अपना परिवार हो या मेरा अपने कोई रिश्तेदार हो या यूट्यूब पे मेरे भाई बहन, सबका मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो ये भी सोचती हूँ कि कहीं मेरे बोलने में कोई गलती ना हो जाए, उनके दिल को ठेस ना पहुँच जाए, सॉरी ठेस ना पहुँच जाए, तो इसका भी मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। इसलिए ना मैं ज़्यादा कुछ ऐसी बातें बोलने में परहेज ही करना पसंद करती हूँ। ऐसा होता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो कभी नहीं जताते कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सच में ही ज़्यादा, लेकिन एक दो ऐसे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूबर कि जो मतलब इतना ज़्यादा कर चुके हैं मेरे पे, उनका एहसान नहीं, सॉरी लेडी हैं समझ जाएंगी अगर वो देखेंगी,
कि उनका एक एहसान ही ऐसा हो जाता है कि तो मैं उनका एहसान नहीं लेना चाहती जिनका मैं एहसान ही ना उतार पाऊँ। ने मेरे भाई इतने सपोर्ट कर रहे हैं, बहन इतनी सपोर्ट कर रही हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बड़ा बनाऊंगी और यही कहना चाहूंगी कि कई वीडियो पे मेरे, और ऐसा नहीं है जो आप कमेंट के लिए बोलते हो कि भाई वीडियो नहीं देख रहे, उनके लिए बोल रही हूँ, वो अलग ही हैं जिनकी जो ज़्यादा ही सपोर्ट करती हैं सबको, उनके लिए बोल रही हूँ, वो सबको ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा कोई बंदा सपोर्ट करे जिनका मैं एहसान ना उतार पाऊँ। मेरे अपने परिवार में सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी किसी ने जताया नहीं, किसी रिश्तेदार ने नहीं जताया, किसी मेरे अपने ने नहीं जताया। जो सब मेरे अपने हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो कोई भी कास्ट का है, कोई भी धर्म का है या कोई भी है, सब मेरे भाई बहन बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मुझे उनकी सपोर्ट के साथ ही चलना अच्छा लगेगा और चलना चाहूँगी। और चाहे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, ये तो मुझे भी पता है, ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे में ईगो आ गया। नहीं, ईगो मेरे में ना था ना है, मैं ऐसे ही पहले थी, ऐसे आज हूँ। और रही बात उसकी कि भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर कोई मेरे 50,000 नहीं हुए हैं, कोई लाख नहीं हुए हैं, कोई मैं बहुत ऊपर नहीं पहुंच गई हूँ। जो मेरे साथ थी ना, वो शायद बुलंदियाँ छू रही हैं। बहुत खुश हूँ मैं उनके लिए, सच में मैं दिल से खुश होती हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और बहुत अच्छा लगता है जब वो ऊपर जा रही हैं, अच्छी बात है, उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की होगी, इसमें क्या है, वो अच्छा कर रही है, चली गई। शायद मैं यूट्यूब को ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं दे पाई हूँ, मैं अभी भी सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और हाउस वाइफ समझ सकती है कि कितना, जितना भी सभी कोशिश करते हैं टाइम देना देने का, लेकिन हो जाता है हमसे भी कि कभी काम में भाई चलो आज व्लॉग नहीं बनाते हैं, तो फिर मेरा तो ये चलो। और जितना आप लोग मुझे साथ दे रहे हो, तो मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है कि मैं वीडियो कुछ भी डालूँ, मैं वीडियो डेली डाल रही हूँ। ये मेरे भाई और बहन और मेरा परिवार और सब रिश्तेदारों की वजह से कि मुझे इतनी हिम्मत मिल रही है कि मैं वीडियो डालूं। और यूट्यूब पर फ्रेंड भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड है, जो मुझे अगर एक दिन भी ना वीडियो आए, तो पहले भी यही था कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, सबके लिए एक बिल्कुल नहीं है, जो हैं वो समझ जाएंगी, आप सब बिल्कुल मत लेना उस चीज़ को। और आप सबकी ही सपोर्ट से मैं आगे चलूंगी, और आगे का अब तो कुछ पता भी नहीं है, ईगो तो जब आएगा, मेरा कौन सा चैनल ही मोनो हो गया है, अभी तो बहुत टाइम है और बहुत संघर्ष है ज़िंदगी में, और संघर्ष भी जीत जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है और अब फिर बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है मोनो हो जाए चैनल। मैं जीत गई हूँ आप सबके प्यार से और इतने अच्छे अच्छे कमेंट से, इतने अच्छे बड़ों के आशीर्वाद से, इतना ही बहुत है मेरे लिए। और ये तो मुझे भी है कि चैनल मोनोटाइज जल्दी हो जाए, सबको होता है। तो चलिए, देखते रहिए वीडियो, और मिलते हैं आपको फिर न्यू वीडियो में। व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी कि व्लॉग ही बनाऊँ, और आपके साथ फिर शेयर करेंगे व्लॉग, या अभी एक आध दिन गीत आएंगे, क्योंकि घर में थोड़ा सा आना जाना लग रहा है मेहमानों का, इसलिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। और मैं फिर से आ गई हूँ एक बार, क्योंकि मैं अपने भाइयों के कैसे भूल सकती हूँ, जिन भाइयों की वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली है यूट्यूब पर आने की। और वो भाई है मेरे सबसे पहले, काशी भाई, काशी भाई ने सबसे पहले मेरा पोस्ट डाला था। मैं किसी का भी एहसान नहीं भूलती, ना उनका भूलती हूँ जो रिश्तेदार थे जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, या मेरा परिवार था कि जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की के लिए हिम्मत दी, और कभी किसी चीज़ के लिए बोला ही नहीं कि भाई ये चीज़ गलत है या नहीं मत करो। भाई है या मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है सबकी, और टांग खींचने वालों की भी कमी नहीं होती, ये मैंने सुना, पर मेरे लिए कमी रही है अब तक, आगे का पता नहीं। मेरे लिए कोई भी नहीं था कि भाई कोई टांग खींचे, सिर्फ मेरे लिए एक डिसलाइक है, वो बेचारा चोरी छुपके है, उसका पता नहीं वो कौन है, पर मैं फिर भी मेरे अपना हो ही नहीं सकता वो डिसलाइक, वो मेरा अपना नहीं है, कोई एम ही होगा। तो और मैं जो बोलना चाहती थी वो भूल जाऊंगी, मुझे बहुत सपोर्ट मिली है मेरे भाई से, कि सबसे पहले भाइयों से मिली है, बहनों से, आप सबसे मिली है वैसे तो, लेकिन उनकी सपोर्ट अलग है। काशी भाई जबकि मैं जानती भी नहीं थी इससे पहले, वो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी काशी भाई कहाँ से कैसे, उन्होंने सबसे पहले मेरा पोस्ट डाला था। उसके बाद काना भाई, हरसाना स्टेटस, हरसाना भैया हैं, उनका मुझे पता भी नहीं है कहाँ से हैं। और जय बाबा मोहन राम,
और भाई होंगे तो मुझे नहीं पता है। और काशी भाई का सबसे पहले काशी भाई ने पोस्ट डाला था, और आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई अपने बहन को इतना सपोर्ट करने के लिए। आपकी वजह से मुझे हिम्मत मिली वीडियो बनाने की और वीडियो डालने की। पहले मैं सच बताऊँ तो कई कई दिन तक वीडियो नहीं डालती थी मैं, बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगी भाई, मैं तो अपने से ही चली गई हूँ। मैं तो इतने मतलब इतने भी मेरे सब्सक्राइबर अपने आप से हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है, बहुत बहुत योगदान रहा है, सहयोग नहीं था सॉरी, योगदान रहा था, हिंदी बोलने में थोड़ी कन्फ्यूज हो गई तो आप सबका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, आप सबके सपोर्ट से ही यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। बिल्कुल भी नहीं उस तरह का ईगो है, और ईगो तो होना ही नहीं है इसमें तो आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ यूट्यूब पर, कहीं नहीं हूँ, आप सबके सपोर्ट से हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नमस्ते जी।